एकदम इजी वे में बनाते हैं। साबुदाने बड़े, तो साबुदाने को ले लो, कुछ टाइम पहले भिगो के रखो। जब ये सॉफ्ट हो जाए तो एक बोल पे ट्रांसफर कर लो। फिर क्या करो, इसमें पीनट ऐड कर दो। अगर आपके पास पीनट नहीं है तो स्किप कर सकते हो। देन मैं ऐड कर रही हूँ बॉयल पटेटो। मैं मीडियम साइज का 2 बॉयल पटेटो लिया एंड इसको मैं क्रश करके दे रही हूँ। फिर क्या करो, आप इसमें ग्रीन चिलीज दे दो एंड थोड़ा सा सॉल्ट देकर अच्छे से स्टफिंग को मिक्स कर लो। इस बड़े में इतना कोई झमेला नहीं है, एकदम इजी वे में बना सकते हो। अगर आपके पीनट्स नहीं है तो स्किप कर सकते हो, ओनली बॉयल आलू से भी बना सकते हो। इतना इजी बड़े ही है। इस बड़े में मैंने एकदम पानी यूज़ नहीं किया, जस्ट बिकॉज साबुदाने में ऐसे थोड़ा सा पानी रहता ही है। तो ये अच्छे से ये मेरा स्टफिंग जो है रेडी हो गया एंड छोटू छोटू बॉल हो रहा है। जब ये बॉल बनाने में स्टफिंग आपके हाथ में चिपक रहे तो थोड़ा आप ऑयल भी ग्रीस कर सकते हो प्लम पे। तो क्या करो, ऐसे करके आप रेडी कर लो। और हाँ, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी ईजी रेसिपीज़ के लिए। तो ऐसे करके मैं बड़े रेडी कर लेती हूँ एंड ये फ्राई होने के लिए रेडी है। मेरा ऑयल भी हीट हो गया। मैं चेक किया कि ऑयल अच्छे से हीट हुआ कि नहीं, थोड़ा सा स्टफिंग देके। तो मैं एक एक करके बड़े दे दूँगी। और आपको एक बात ध्यान रखना है, देने के साथ साथ इसको पलटना नहीं है। एक साइड को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने के बाद ही दूसरे साइड को पलटना है, नहीं तो आपको बड़े जो है ये अंदर से वो खोलने लगेगा। मेरा एक बड़े में ऐसा हुआ तो मैं बता रही हूँ आपको। तो आपको एक साइड अच्छे से फ्राई होने के बाद ही आपको दूसरे साइड फ्लिप करना है। तो ये बड़े जो है बहुत साइज से गोल्डन ब्राउन हो गया है एंड रेडी है। कितना इजी है ना बनाना, मुझे इतना इजी लगा और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है। तो ट्राई करो एक बार। बाय।